हेलो दोस्तों, आज हमारे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। ये ध्यान देने वाले पे कि आइसोसेल ट्रायंगल बोल रहा है इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रिमेनिंग साइड। पहले हमें पता होता है आइसोसेल ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनकी टू साइड इक्वल होती, जिसकी टू साइड क्या होती, इक्वल होती। हम देखेंगे जैसे हम कह सकते हैं इसकी ये और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तीन साइड होती है आइसोसेल ट्रायंगल में। ठीक है, हर साइड ट्रायंगल में तीन साइड होती है, लेकिन आइसोसेल में टू साइड इक्वल होती है। तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास आइसोसेल ट्रायंगल है, इसकी क्या दो साइड टू साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब ये कह रहा पैरामीटर निकालना। अब पैरामीटर दे रखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी। भाई किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, पूरा उसका मेजरमेंट। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं यहीं तक मुझे पूछना पड़े, ये पूरा मेजरमेंट। तो थ्री साइड है इसलिए थ्री प्लस। ठीक है, अब पैरामीटर ऑलरेडी हमें दे रखा, कितना देगा पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/15। ठीक है, और थ्री साइड में तो वन साइड दे रखी, वन साइड इज 4। तो हमने लिया वन साइड कितना दे रखा 4/3। ठीक है, द बेस ऑफ बेस दे रखा, ये कितना दे रखा बेस ये 4। अब टू साइड हमने एक्स ले ली। ठीक है, लेट द टू साइड लेट यहाँ पे लेट करके ले सकते हैं, लेट लेट द टू साइड भी एक्स। ठीक है, तो एक्स एक साइड एक्स है तो दूसरी साइड भी एक्स होती, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको चेंज कर दो, 15/4 से कितना होता 60 प्लस 62/15 आ जाएगा। अब ये पता लग गया आपको कैसे होगा, 15 × 4 + 2 होता है, ये इसके साथ इंटू होता है, ये प्लस होता है, 15/4 से 60 और 2, ये 4/3 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये नंबर से ये तो ये इधर आएगा 62/15 ये -4/3 इक्वल टू 2x। अब ए माइनस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा 15 आ रहा है, कितना आ रहा 15 आ रहा है, 15 के साथ डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जा रहा इंटू 62, ये वाला इंटू होता है माइनस डिनोमिनेटर का डिवाइड कितना जा रहा 5 टाइम 3 × 5 = 15 और न्यूमिनेटर को इंटू 2x 62 होगा। ठीक है, और 5 × 4 = 20/15 2x। ठीक है, इतना ठीक है, अब माइनस कर दो 62 में से, अगर कहेंगे तो 2 और 6 में से 42 आ रहा अपॉन 15 = 2x। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन में कर देते, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई। या अब 15 × 2 जो कितना हो जाएगा 30x और ये कितना आ जाएगा 42 यहाँ, और अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 और ये डिवाइड में आ जाएगा 30। इसको आप काट सकते हैं, कितने से कट रहा 6 से कट रहा, 6 × 7 = 42 और 6 × 5 = 30। तो हमारे दो साइड के आ गए, एक साइड के x से गए कितने आ गए 7/5 आ गई, और टू साइड इक्वल होती ना तो दूसरी साइड भी x ले रखे थे वो भी 7/5। तो हमारे क्या आई दो साइड 7/5 और दूसरे 7/5 और तीसरे क्या है, तीसरे हमने पहले से दे रखी 4/3। तो ये हमारा ट्राइंगल की साइड्स आ गई। तो थैंक यू।